सही है। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट सी हैविंग चार्ज क्यू एरिया ए। अब देखो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप 3D भी बना सकते हो और मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, इस टाइप से होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये। अगर इसके प्लेटों पे हम प्लस चार्ज दे देते हैं और इस पे माइनस है, तो इनके बीच जो है ऑब्वियसली देखो अगर वैक्यूम है तो ये एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके कोलाइड कर देंगे, कैपेसिटर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए मैं इसके बीच डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? इनके बीच एक मटेरियल डाल देता हूँ जिसको डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। चलो तो इस फोर्स की जो वैल्यू है ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि अगर ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है तो ये इसको अट्रैक्ट इधर कर रहा होगा और ये इसको अट्रैक्ट इधर कर रहा होगा, तो जो फोर्स की वैल्यू है क्या इनके बीच जो डिस्टेंस डी है उस पर डिपेंड करता क्या मेरे भाई? ऑब्वियसली ये वही कर पाएगा जिसको प्लेटों पर फोर्स निकालने आता होगा या फार्मूला याद होगा। तो हमें तो फार्मूला याद है, फोर्स इज इक्वल टू प्लेट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये जो फोर्स का फार्मूला है अगर ये आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप इसको निकालोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। पहले अभी जिनको याद है इसीलिए कहते हैं कि याद भी कर लो नीट वाले। तो चार्ज पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस गलत बात है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द गलत बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस गलत बात है, इनडिपेंड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट सही बात है। तो आप प्लेट को दूर ले जाओगे ये फोर्स की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। अब जिसको ये फार्मूला याद नहीं है वो कैसे करेगा मैं एक बार उसके लिए बताता हूँ। चलो ये प्लेट है, हम सबको याद है कि जो प्लेट होते हैं ये याद रखना कि हमें प्लेट पे फोर्स निकालना है, मतलब प्लेट पे फील्ड कितना है दूसरे की वजह से। बीच में फील्ड अलग होता है, यहां पर जो फील्ड होता है वो अलग होता है। तो जो प्लेट होता है वो इस तरह से एक सीट की तरह ट्रीट होता है, तो एक सीट की जो फील्ड होती है E इज इक्वल टू वो होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फील्ड ड्यू टू द एक सीट है जिसपे समझने की कोशिश करो, ये सीट है और इस पे मैं चार्ज दिया हूं, तो इस एक साइड की वजह से आर डिस्टेंस पे मेटालिक है एक फील्ड कितना एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट होती है यहाँ पे, तो ये जो है अब बीच में जो फील्ड होती है वो अलग होती है। समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। बीच में जो फील्ड होती है वो अलग होती है क्योंकि वो दोनों सीट की वजह से होगी, प्लस वाले की फील्ड इधर होगी और माइनस वाले की फील्ड इधर होगी, तो नेट फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब आ जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज अपान प्लेट एरिया अपान एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? फील्ड बिटवीन द प्लेट है। हमें बिटवीन द प्लेट नहीं चाहिए मेरे भाई, हमें किसी प्लेट पर फोर्स चाहिए, इस प्लेट पर फोर्स चाहिए। तो इस प्लेट पर जो फील्ड है वो कितना है? वो इसकी वजह से है। अब खुद की वजह से खुद थोड़ी लगाएगा भाई, इस प्लेट पे फील्ड कितना है? इस प्लेट पे, इस वाला एक साइड पे प्लेट पे, इसकी वजह से है। अपना खुद की वजह से थोड़ी काउंट करेगा। तो यहां पर जो फोर्स आ जाएगा, फोर्स दैट इज फील्ड और मल्टीप्लाइड बाई चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फील्ड, ऐसे निकाल सकते हो। अब फील्ड की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? इसकी वजह से बनाया होगा, फील्ड एक सीट की वजह से होती है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि क्यू सिग्मा होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन टू सिग्मा की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, सिग्मा की वैल्यू अगर मैं डालूंगा
देखना कोशिश करना। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन प्लेट एरिया एप्सिलॉन नॉट, तो कुल मिला के जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था, इसको हमेशा याद रखो, बहुत से जगह इलेक्ट्रोस्टेट में काम आता है। बिटवीन द प्लेट फील्ड अलग है और जस्ट नियर टू प्लेट या सरफेस प्लेट के सरफेस वो फील्ड अलग है, तो इनडिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस जो कि आ गया। चलो नेक्स्ट, ए ऑप्शन सही है।